नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो जब रिटायर कर जाते हैं तो उनको रिटायरमेंट पर्क्स के रूप में क्या क्या बेनिफिट उपलब्ध कराए जाते हैं, आखिरकार उनको पेंशन कितना दिया जाता है, उनके एकोमोडेशन के लिए किस तरीके के बंगलो या फिर रूम अलॉट किए जाते हैं, सेक्रेटेरियल स्टाफ किस तरीके से होते हैं, उनका मेडिकल एक्सपेंसेस हो या फिर व्हीकल का जो एक्सपेंसेस वगैरह हो, है ना, ये तमाम बात की जानकारी आज के इस वीडियो में लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार हम नजर डाल लेते हैं हमारे सारे प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग फॉर्मर और यहां पे करंट प्राइम मिनिस्टर को हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे दोस्तों, वो जवाहरलाल नेहरू थे। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं, उनके बाद इंदिरा गांधी यहां पे, फिर मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह जिनको किसान नेता भी कहा जाता है, राजीव गांधी बने थे, फिर वीपी सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर जी, उसके बाद वीपी नरसिम्हा राव जिनके टेन्योर में कह लीजिए कि इंडिया को ग्लोबलाइज किया गया यहाँ पे, है ना, एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था, यानी कि इंडिया का जो मार्केट है हमेशा के लिए यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, फॉरेन कंट्रीज़ के लिए खोल दिया गया दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे टर्निंग पॉइंट था हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। उनके बाद यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जिनको आज तक का सबसे ज़्यादा यहाँ पे सराहा जाने वाला, है ना, एक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है, फिर एचडी देवेगौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, उनके बाद यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह और हमारे जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे। तो अपने यहाँ पे सारे का चेहरा एक बार देख लिया, सारे का नाम एक बार जान लिया, चलिए अब यहाँ पे एक बार नजर डाल लेते हैं, है ना, इनके टेन्योरशिप पे कि आखिरकार इनका कार्यकाल कितना रहा यहाँ पे और ये कहाँ से एमपी थे। अगर जो हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें दोस्तों, तो इनका जो टोटल कार्यकाल रहा है वो 16 साल 286 दिन का रहा है, जो कि अब तक के, है ना, भारत के प्रधानमंत्री के इतिहास में सबसे ज़्यादा दिन का यहाँ पे टेन्योरशिप रहा है। 15 अगस्त 1947 से लेकर यहाँ पे 27 मई 1964 तक ये लगातार प्रधानमंत्री यहाँ पे बने रहे दोस्तों यहाँ पे, है ना। उनके बाद है ना, अगर जो हम बात करें कि कहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिलोंग करते थे, तो फूलपुर से ये बिलोंग करते थे यहाँ पे। गुजराल नंदा की अगर जो हम बात करें तो ये महज 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पे बनाए गए पहली बार यहाँ पे, है ना, 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक इनका बहुमत यहाँ पे कह लीजिए कि इस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे दोस्तों, इसीलिए इनको अपना पोजिशन को वैकेट करना पड़ा। उनके बाद यहाँ पे, है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी को यहाँ पे बनाया गया, जो कि इलाहाबाद से एक एमपी थे, है ना। अगर जो हम गुजराल नंदा की बात करें तो साबरकंठा से यहाँ पे एमपी थे। अगर जो हम लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो 1 साल 216 दिन तक ये टोटल यहाँ पे प्रधानमंत्री रहे, है ना। इनका मौत सीक्रेटली यहाँ पे हो जाता है, है ना, फॉरेन कंट्री में, इवन 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक। गुजराल नंदा एक बार फिर से यहाँ पे बनाए जाते हैं, लेकिन वो दूसरी बार भी यहाँ पे महज 13 दिन तक ही यहाँ पे प्रधानमंत्री रह पाते हैं, एक बार फिर से मेजोरिटी यहाँ पे कह लीजिए कि स्थापित नहीं कर पाते हैं दोस्तों, 11 जनवरी 1966 से लेकर महज 24 जनवरी 1966 तक। उनके बाद यहाँ पे आती है जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी जी यहाँ पे, है ना, जिनका टोटल कार्यकाल यहाँ पे रहा, है ना, पहली दफा में जो ये बनी लगातार वो 11 साल 59 दिनों का रहा था, 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक, और 1975 में जो यहाँ पे इमरजेंसी लाया गया वो इंदिरा गांधी के ही कार्यकाल में लाया गया था, जो कि यहाँ पे इंडिया के, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर कह लीजिए कि एक ब्लैक दिन माना जाता है दोस्तों। अगर जो हम बात करें कि ये कहाँ से एमपी थी दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश की रायबरेली से यहाँ पे ये एमपी रही थी यहाँ पे, है ना। अगर जो फिर उनके बाद हम बात की जाए तो मोरारजी देसाई थे यहाँ पे, जो कि सूरत से एमपी थे यहाँ पे। इनका टोटल कार्यकाल जो रहा 2 वर्ष 126 दिन तक यहाँ पे, 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक दोस्तों। उनके बाद यहाँ पे आते हैं चौधरी चरण सिंह, यानी कि किसान नेता, जो कि बागपत से यहाँ पे एमपी थे। इनका टोटल कार्यकाल जो रहा 170 दिनों का रहा, 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक। उनके बाद यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है दोस्तों, वो मेडक से एमपी होकर यहाँ पे एक बार बनती है, और फिर से एक बार 4 साल 291 दिनों तक यहाँ पे ये प्रधानमंत्री, है ना, बनी रहती है। उनके बाद यहाँ पे नाम आता है इंदिरा गांधी के ही बेटे राजीव गांधी जी यहाँ पे, जो कि अमेठी से एमपी थे, और इनका टोटल कार्यकाल जो रहा दोस्तों यहाँ पे 5 वर्ष 32 दिनों तक, है ना। इनका भी यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, हत्या कर दी जाती है, इसीलिए इनका कार्यकाल 5 वर्ष 32 दिनों का ही यहाँ पे रह पाया। उसके बाद यहाँ पे नाम आता है विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि फतेहपुर से यहाँ पे एमपी थे। इनका टोटल कार्यकाल जो रहा 343 दिन का रहा था, 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक। उनके बाद चंद्रशेखर आते हैं, जो कि बलिया से यहाँ पे एमपी थे, जिनका टोटल कार्यकाल 223 दिनों का रहा था, 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक। उनके बाद यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म लाने का जिनको श्रेय दिया जाता है ना, भारत की इकोनॉमिक को
है ना ग्लोबलाइज करने का, लिबरलाइज करने का, यहाँ पे प्राइवेटाइज करने का जो श्रेय दिया जाता है पीवी नरसिम्हा राव, उनका टोटल कार्यकाल यहाँ पे 4 वर्ष 330 दिनों का रहा, 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक यहाँ पे दोस्तों, है ना। और वो जो एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था वो 1991 में ही लाया गया था। उनके बाद यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं जो कि लखनऊ से यहाँ पे एमपी थे। अगर जो है पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो ये नांदियाल से यहाँ पे एमपी थे दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि लखनऊ से एमपी थे। इनका टोटल कार्यकाल पहली दफ़ा में महज 16 दिनों का रहा था क्योंकि ये मेजॉरिटी स्थापित नहीं कर पाए थे। उनके बाद आप देख ले सकते हैं एचटी देवेगौड़ा जी यहाँ पे बनाए जाते हैं जो कि कर्नाटका से यहाँ पे है ना राज्यसभा के एक मेंबर थे दोस्तों। यहाँ पे इनका टोटल कार्यकाल जो रहा था 324 दिनों का, 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक यहाँ पे। उनके बाद यहाँ पे आते हैं इंद्र कुमार गुजराल जी यहाँ पे जो कि यहाँ पे बिहार के है ना राज्यसभा से एक एमपी थे जो कि टोटल कार्यकाल इनका रहा 332 दिनों का, 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक, है ना। पहली दफ़ा में तो अटल बिहारी वाजपेयी मेजोरिटी स्थापित कर पाए थे, लेकिन दूसरी बात जब वो लखनऊ से यहाँ पे एमपी बने तो कह लीजिए कि इन्होंने मुकम्मल मेजॉरिटी स्थापित किया और टोटल 6 वर्ष 64 दिनों तक ये प्रधानमंत्री बने रहे। और इनके टाइम में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म यहाँ पे लाया जाता है दोस्तों, है ना। ये भारतीय जनता पार्टी यानी कि तब की है ना एनडीए को ये बिलोंग करते थे। उनके बाद मनमोहन सिंह है ना जो कि असम के राज्यसभा से यहाँ पे एक एमपी बनाए जाते हैं जिनका टोटल कार्यकाल 10 वर्ष 4 दिनों का रहा और ये तीसरे सबसे ज़्यादा भारत के प्रधानमंत्री है टेन्योर से पूरा करने का श्रेय दिया जाता है। उनके बाद यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आते हैं जिनका अब तक यहाँ पे कह लीजिए कि है ना 2 टेन्योर तो पूरा होने वाला है, 14 से लेकर 19 और 19 से लेकर 24, तो महज यहाँ पे कह लीजिए कि 10 सालों का टोटल कार्यकाल नरेंद्र मोदी ने भी पूरा कर लिया है दोस्तों। अगर जो हम बात करें एमपी का तो ये कहाँ से हैं तो ये वाराणसी से हैं, है ना, भारतीय जनता पार्टी। अभी आप देख सकते हैं ये इनकम्बेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लगातार अभी बने हुए हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं है कि क्यों ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे राष्ट्रपति का जो पद है ना वो भले ही हेड ऑफ द स्टेट होते हुए भी एक रबर स्टैंप माना जाता है दोस्तों, है ना। किस तरीके से यहाँ पे कह लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री के एडवाइस को मानने के लिए यहाँ पे बाध्य है, इनकी हम जानकारी लेंगे। अगर जो हम प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों तो ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं यानी कि सरकार का ये इनको मुख्य माना जाता है, लेकिन जो यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, है ना। राष्ट्रपति जो कि फर्स्ट सिटीजन भी यहाँ पे कहलाते हैं, चीफ इन कमांडर भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो मेन पावर होता है वो एक प्रधानमंत्री के हाथों में होता है दोस्तों, है ना। राष्ट्रपति वाला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो आप जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा उसका लिंक आप है ना देख लीजिएगा। उनको किस तरीके के रिटायरमेंट पक्ष यहाँ पे उपलब्ध करवाए जाते हैं जब वो रिटायर कर जाते हैं तो उनके बारे में आप जान पाओगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि हमारे संविधान के अनुसार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो प्रेसिडेंट होते हैं कैन एक्सरसाइज हिज पावर डायरेक्टली और बाई सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट आर इन प्रैक्टिस एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मेंबर। आप देख सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर है और साथ में प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के साथ ही यहाँ पे कह लीजिए कि जो हमारे राष्ट्रपति है वो अपने पावर को एक्सरसाइज कर पाएंगे। देयर फॉर वी कैन से दैट प्रेसिडेंट इज बाउंड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट एज लॉन्ग एज द एडवाइस इज नॉट वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जब तक और तब तक प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के जितने सारे कैबिनेट मिनिस्टर है उनकी जो एडवाइस है कॉन्स्टिट्यूशन के मर्यादा के अंदर है तब तक वो सारे एडवाइस के ऊपर यहाँ पे राष्ट्रपति है ना कह लीजिए कि वो एक्ट कर पाएंगे यहाँ पे, यानी कि इनका जो भी एक्शन होगा दोस्तों वो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के कैबिनेट मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर ही यहाँ पे है ना किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड प्राइम मिनिस्टर इज अ सीनियर मेंबर ऑफ द कैबिनेट। आप देख सकते हैं कि जो भी कैबिनेट के मिनिस्टर होंगे उनके एडवाइस पे, लेकिन जो कैबिनेट के यहाँ पे सीनियर मेंबर होते हैं वो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसीलिए आप कह सकते हो कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक पावर है एक तरीके से वो प्रेसिडेंट से यहाँ पे ज़्यादा होता है। इसीलिए आप है ना जो मुख्य दौरे होते हैं, जो मीटिंग्स होता है ना, तमाम जगहों पर आप हमारे प्रधानमंत्री को ही आप देखोगे, है ना। इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट।
पॉइंट। आप देख सकते हैं कि हमारे संविधान के अनुसार जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लीडर होते हैं किसके, तो सरकार के। यहाँ पे चीफ एडवाइजर होते हैं किसके, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। लीडर ऑफ द काउंसिल होते हैं ये, है ना, मिनिस्टर के। एंड द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा, जैसे कि अभी लोकसभा में किस पार्टी की मेजोरिटी है, तो बीजेपी। इसलिए यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी है वो बीजेपी को यहाँ पे बिलोंग करेंगे, है ना। आप देख सकते हैं कि जितने भी गवर्निंग बॉडी है ना हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, सारे को जो लीड किया जाता है वो प्रधानमंत्री के ही द्वारा किया जाता है। तो आपने जाना यहाँ पे कि किस तरीके से जो हमारे राष्ट्रपति है वो भी यहाँ पे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रधानमंत्री के ही एडवाइस पे यहाँ पे कोई सा भी एक्शन को अंजाम देती है दोस्तों। अब यहाँ पे एक बार जान लेते हैं कि जो बेनिफिट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को वो क्या क्या दिया जाता है जब वो रिटायर कर जाते हैं दोस्तों, है ना। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है लाइफ टाइम फ्री एकोमोडेशन, है ना। इनको बंगलो यहाँ पे दिया जाता है जो कि यहाँ पे लाइफ टाइम ये फ्रीली उसमें रह सकते हैं दोस्तों, है ना। उसके साथ आप देख सकते हैं कि फ्री मेडिकल असिस्टेंट इनको प्रोवाइड किया जाता है ना। किसी भी वक्त यहाँ पे कभी भी अगर जो इनकी तबीयत में कोई किसी भी तरीके की परेशानी आता है तो फ्री में इनका मेडिकल इलाज यहाँ पे कर दिया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि, है ना, 14 पीपल्स का स्टाफ, है ना, 14 मेंबर का सेक्रेटेरियल स्टाफ इनको उपलब्ध करवाया जाता है जब ये रिटायर कर जाते हैं। आप देख सकते हैं 6 डोमेस्टिक लेवल एयर टिकट, है ना, एग्जीक्यूटिव क्लास का, इनको हर एक वर्ष 6 डोमेस्टिक फ्लाइट एयर टिकट दिया जाता है, वो भी एग्जीक्यूटिव क्लास का, जो कि राष्ट्रपति से थोड़ा सा अलग है। राष्ट्रपति को बिल्कुल फर्स्ट क्लास का लाइफ टाइम दिया जाता है दोस्तों, यानी कि वो एक साल में कितनी बार भी यहाँ पे फर्स्ट क्लास का जो एयर टिकट है वो ले सकती है बिल्कुल फ्री में। लेकिन प्रधानमंत्री को ऐसा सुविधा नहीं दिया जाता है, उनको केवल डोमेस्टिक एयर फ्लाइट ही दिया जाएगा, वो भी एग्जीक्यूटिव क्लास का, वो भी सिर्फ 6, है ना, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर जो हम बात करें तो फुल्ली फ्री ट्रैवल बाय ट्रेन, लेकिन वो अगर जो ट्रेन से सफर करना चाहते हैं तो किसी भी क्लास में यहाँ पे फ्रीली वो ट्रैवल कर सकते हैं। ये वाला जो क्राइटेरिया है दोस्तों ट्रेन वाला, वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के लिए यहाँ पे सेम है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उनके ऑफिस का, यानी कि वो रिटायरमेंट के बाद जहाँ पे रहेंगे उनके ऑफिस का खर्चा अगले 5 वर्षों के लिए, यानी कि रिटायरमेंट के जस्ट 5 वर्षों तक यहाँ पे उनको सारा जो भी एक्सपेंस आएगा ऑफिस का वो सारा यहाँ पे, है ना, सरकार उठाएगी, उनको खुद को देना नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि रिटायरमेंट के अगले 1 वर्षों के लिए उनको SPG, है ना, जो स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड होते हैं उनकी सिक्योरिटी यहां पे इनको उपलब्ध करवाई जाती है। उसके साथ आप देख सकते हैं कि लाइफ टाइम तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री वाटर भी उनको मुहैया कराया जाता है। आफ्टर 5 ईयर्स अ पर्सनल असिस्टेंट एंड पियोन 6,000 रुपीज एनुअली फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। लेकिन जब एक बार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है उनके रिटायरमेंट के बाद, तो आप देख सकते हैं उनको एक पर्सनल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है और एक पियोन यानी कि एक चपरासी उनको प्रोवाइड किया जाता है, और साथ में ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए यानी कि ऑफिस का जो खर्चा आएगा शुरू के 5 वर्षों के लिए, तो जितना भी एक्सपेंसेस आता है, जितना भी उस पर खर्चा आता है, वो सारे के सारे सरकार के द्वारा उठाया जाता है यहाँ पे। लेकिन 5 वर्ष पूरा होने के बाद यहाँ पे कह लीजिए कि हर एक साल ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए महज 6,000 रुपया ही यहाँ पे दिया जाता है दोस्तों, है ना। तो आपने जाना कि 14 मेंबर का सेक्रेटरियल स्टाफ इनको दिया जाता है, फ्री मेडिकल दिया जाता है, लाइफ टाइम फ्री एकोमोडेशन के तहत इनको बंगलो दिए जाते हैं यहाँ पे, है ना, ट्रेन से तो कैसे भी ट्रेवल कर सकते हैं किसी भी क्लास में कितनी भी बार यहाँ पे, और 5 वर्षों तक एक्सपेंसेस भी उठाए जाते हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ एक जो महज आता है यहाँ पे कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको उतने सारे ही सुविधा दिए जाते हैं जो कि अभी सिटिंग यानी कि करेंटली जो हमारे अभी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं उनको दिए जाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल एक लीजिए कि हमारे जो पीयूष गोयल है दोस्तों, उनको अभी जो सुविधाएं दी जा रही है वो सेम सुविधाएं जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह को भी दी जाएगी, है ना। तो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनको वही सुविधा दिया जाता है जो कि हमारे करेंटली कैबिनेट मिनिस्टर को यहाँ पर दिया जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि बंगलो तो दिया जाता ही, एकोमोडेशन तो दिया जाता ही, इसके साथ साथ also entitled the same facility as those given to a serving cabinet minister, है ना। आप देख सकते हैं कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको जो सुविधाएं दी जा रही है वो सारे के सारे फैसिलिटी यहाँ पे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है, इंक्लूडिंग अ 14 मेंबर सेक्रेटेरियल स्टाफ, है ना, जो आपने जाना कि 14 मेंबर का एक सेक्रेटेरियल स्टाफ इनको दिया जाता है अगले 5 वर्षों के लिए, है ना। उसके बाद इनको महज 1 स्टाफ यहाँ पे और 1 पियोन यहाँ पे दिया जाता है अगले 5 वर्षों के लिए। रिटायरमेंट के बाद आप देख सकते हैं कि जितना इनके ऑफिसेस का एक्सपेंस आता है वो सारा का सारा यहाँ पे सरकार उठाती है, और 6 डोमेस्टिक एयर फ्लाइट दिया जाता है एग्जीक्यूटिव क्लास का हर एक साल यहाँ पे, है ना, और सिक्योरिटी तो प्रोवाइड किया ही जाता है दोस्तों, है ना। चलिए अब यहाँ पे एक बार नज़र डाल लेते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होता है ना वो क्या होता है आखिरकार। तो सबसे पहले जो यहाँ पे है उनको
सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा यहाँ पे, वो भारत के एक नागरिक होंगे। दूसरा जो यहाँ पे है वो या तो लोकसभा को या तो राज्यसभा से एक यहाँ पे मेंबर होंगे, है ना, यानी कि वो लोकसभा के या तो राज्यसभा के उनको मेंबर होना पड़ेगा। लेकिन अगर जो कह लीजिए कि किसी पर्सन को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है और वो प्रधानमंत्री बनाए जाते वक्त या फिर जब उनका सिलेक्शन किया गया है वो किसी भी यहाँ पे कह लीजिए कि है ना हाउस को बिलोंग नहीं कर रहे, ना तो लोकसभा को ना तो राज्यसभा को, तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनने के महज अगले 6 महीनों के अंदर अंदर किसी भी यहाँ पे सदन का यहाँ पे मेंबर बनना होगा। आप देख सकते हैं, इफ द पर्सन चूजन एज प्राइम मिनिस्टर इज नाइदर अ मेंबर ऑफ द लोकसभा नॉर द राज्यसभा एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन दे मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउसेस विद इन 6 मंथ। उनको अगले 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी हाउस का एक मेंबर यहाँ पे बनना पड़ेगा। दोस्तों अगर जो हम बात करें एज का, तो 25 साल से यहाँ पे ज़्यादा का है ना एज होना पड़ेगा एलिजिबल होने के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। इफ़ दे आर अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और अबव 30 ईयर्स ऑफ एज इफ़ दे आर मेंबर ऑफ द राज्यसभा, है ना। आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर जो लोकसभा के मेंबर है तो जो उम्र होगा वो 25 साल से ज़्यादा होना चाहिए, अगर जो राज्यसभा के मेंबर है तो जो उम्र होना चाहिए वो 30 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। उसके साथ आप देख सकते हैं जो मेन यहाँ पे पॉइंट है, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द सेड गवर्नमेंट, है ना। उनको किसी भी तरीके के है ना ऑफिस से इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना पड़ेगा जहां पे भी प्रॉफिट की बात आती हो, किसी भी यहां पे कह लीजिए कि है ना सरकारी भत्ता उनको उपलब्ध नहीं करा जा रहा हो, ना तो सैलरी के रूप में ना तो किसी भी तरीके से, यानी कि किसी भी वो प्रॉफिट वाले पोजीशन पे है ना जो कि यहां पे सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है उसको उनको छोड़ना पड़ेगा दोस्तों, है ना। वंस द कैंडिडेट इज सेलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर दे मस्ट वैकेट देयर पोस्ट एट एनी प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज और मे टेक अप द पोजीशन ओनली ऑन कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म। आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, है ना, कि जैसे ही किसी कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में, तो उनको उसी वक्त है ना कह लीजिए कि अपना जो पोस्ट है उसको खाली करना पड़ेगा, वैकेट करना पड़ेगा किसी भी तरीके के प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट पोस्ट से यहाँ पे। तो आपने ये जाना कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, कौन कौन से पास्ट में प्रधानमंत्री रह चुके हैं और साथ में उनका कार्यकाल कैसा रहा है दोस्तों, है ना। तो इन तमाम बात की जानकारी आपने ली इस वीडियो में। तो कैसा लगा आपको वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग दिस शोरअप साइनिंग ऑफ यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।